अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम डायग्राम की बात करते हैं डायग्राम की बात करें तो हमको यहाँ पे पॉइंट्स लेने हैं ए बी सी डी ई एफ जी तक पॉइंट लेने हैं अब जो डी हो गया वो हमारा मिड पॉइंट हो गया डी के एक साइड हो गई हमारी तीन और दूसरे साइड भी इसकी तीन हमारी फिगर्स हो जाएगी तो जो डी वाला पॉइंट होगा उधर हमारा क्या बनेगा सर्किल बनेगा और डी के हमारे अपोजिट साइड हमारे यहाँ पे एक अपोजिट साइड यहाँ पे बनेंगे हमारे एक साइड हॉरिजॉन्टल ओवल फिर हॉरिजॉन्टल लाइन फिर एक और हॉरिजॉन्टल ओवल अपोजिट साइड हमारे यहाँ पे एक वर्टिकल ओवल वर्टिकल लाइन वर्टिकल ओवल जो हमारे डी के दोनों अपोजिट साइड जस्ट नेक्स्ट उधर हमारा जो साइज़ होएगा वो स्मॉल बनेगा जैसे यहाँ पे हमारा लार्ज हॉरिजॉन्टल ओवल है फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे फिर स्मॉल हॉरिजॉन्टल ओवल है फिर सर्किल आ गया फिर हमारा आ जाएगा ई पॉइंट इधर हमारा वर्टिकल ओवल है जो कि स्मॉल साइज़ का है फिर हमारी वर्टिकल लाइन है फिर एक और वर्टिकल ओवल है जो कि बिग साइज़ का है अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि ए पॉइंट पे ए पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेज दोनों ही कन्वर्ज कर रही है लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल ओवल बन रहा है हॉरिजॉन्टल ओवल हमारा कब बनेगा जब वर्टिकल रेज की जो कन्वर्जेंस की पावर है वो, वो हॉरिजॉन्टल रेज से ज्यादा होगी तो इस वाले पॉइंट पर यही हुआ हॉरिजोनटल रेज आर कन्वर्जिंग मोर देन वर्टिकल रेज तो हम इसको कैसे निकालेंगे हमको पहले जो रिजल्ट है वो हमको याद कर लेना है और रिजल्ट से फिर हमको उसकी एक्सप्लेनेशन बनानी है जो अपने आप बन जाएगी अब सेकेंड वाले पॉइंट पर हमारी क्या बन रही है हॉरिजोटल लाइन बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइन कब बनेगी जब वर्टिकल वाला कंपोनेंट होएगा ही नहीं मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल रेज जो है वो आप फोकस कर चुकी है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेज जो है वो अभी भी कन्वर्ज कर रही है तो बी पॉइंट के बाद अब जो हमारी वर्टिकल रेज है वो हर पॉइंट पे क्या करेगी डाइवर्ज करेगी और जो हमारी हॉरिजोंटल रेज है वो कन्वर्च करती रहेगी किस पॉइंट तक जब तक वर्टिकल लाइन नहीं बन जाए अब सी पॉइंट पर क्या हो रहा है कि हमारा हॉरिजोटल ओवल बन रहा है अब वर्टिकल रेज जो होएगी वो हमारी क्या करने लग जाएगी डाइवर्च करने लग जाएगी लेकिन उसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या होएगा वो किससे कम है कन्वर्जेंस है हॉरिजॉन्टल रेज के इसलिए हॉरिजॉन्टल ओवल बना डी पॉइंट पे क्या होएगा हमारा सर्किल बनेगा सर्किल कब बनेगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डाइवर्जेंस है वर्टिकल रेज का वो इक्वल हो गया है कन्वर्जेंस के हॉरिजॉन्टल रेज के जो सर्किल बनता है इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम सर्किल ऑफ लीज डिफ्यूजन बोलते हैं अब बात करें अगर हम पॉइंट ई e की तो पॉइंट ई e पे हमारा जो डाइवर्जेंस होता है वर्टिकल रेज का वो ज़्यादा होता है कन्वर्जेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल रेज से इसलिए इस केस में हमारा वर्टिकल ओवल बनेगा फिर बात करते हैं पॉइंट एफ़ की पॉइंट एफ में हमारी वर्टिकल लाइंस बनेगी वर्टिकल लाइंस हमारी कब बनेगी जब हॉरिजॉन्टल रेज जो है वो फोकस हो चुकी होगी लेकिन वर्टिकल रेज जो होगी वो अभी भी डाइवर्जेंट होगी और अगर बियॉन्ड एफ की बात करें इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेज जो है वो दोनों ही डाइवर्ज कर रही होगी तो इस केस में हमारा वर्टिकल ओवल बन जाएगा